और कांकेर के पखांजूर में कई सालों से टूटी पुलिया ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर टूटी पुलिया से किसी तरह आना जाना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। ग्राम पंचायत शंकर नगर के आश्रित गांव बोकुल टोला से मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली इस सड़क पर पिछले साल बरसात में पुलिया पूरी तरह से टूट गई थी और ग्रामीण पंखाजूर एसडीएम से भी शिकायत कर चुके हैं, पर पुलिया अब तक नहीं बनी है। नहीं बन पा रहा है पुलिया। सरपंच सचिव क्या बोल रहे हैं? वो तो सर बोलते हैं बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन नहीं बन पा रहे सर। कहाँ कहाँ शिकायत की थी? हम लोग पकानजूर तक गया थे, एसडीएम तक भी गया था। कितना सालों से टूटा? एक साल से ज्यादा होगा। कोई सरपंच? सरपंच की देन नहीं दे रहे हैं। धन नहीं दे रहे हैं? कितना परेशानी हो रहा है? बहुत, यहाँ से हम लोग को किराए से घूमने के लिए करीबन 4 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर घूमना पड़ता है। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे सबसे संवाददाता अमर मंडल जुड़ गया है। अमर, आखिर क्यों इस टूटी पुलिया पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ये सब जिम्मेदारों की लापरवाही है या इसके पीछे कारण कुछ और है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 1.5 साल पहले जो पुलिया टूट गई थी और पिछले 1.5 साल से उस ग्रामीण ग्रामीण द्वारा वहां के सरपंच सचिव स्थानीय विधायक एसडीएम तक लिखित शिकायत कर चुके हैं, आज तक ना ही कोई जनप्रतिनिधि ना ही कोई अधिकारी उस पर कोई सुध लिए है, ना ही बनाने की कोशिश की है, ना ही वहाँ देखने तक नहीं गए इन लोग। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमर आपका। और इंदौर के